भोगाले छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में लापता हुई 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। इस वारदात को उसके 14 साल के पड़ोसी लड़के ने अंजाम दिया था। इलाके के लोग एक सप्ताह से बच्ची के मिलने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन मिली तो उसकी लाश। जब पुलिस की टीम ने नाबालिग आरोपी को बच्ची के पड़ोस से ही पकड़ा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 8 साल की मासूम के साथ जो हुआ वह लोग नजरअंदाज नहीं कर सके। भीड़ का गुस्सा हावी हो गया जब पुलिस नाबालिग को साथ लेकर जाने लगी। जब पुलिस नाबालिग आरोपी को लेकर जाने लगी तो पूरे मोहल्ले की औरतें युवाओं ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। मोहल्ले की हर महिला के भीतर मौजूद माँ बच्ची के रेप के बाद हत्या के दर्द को महसूस कर रही थी। किसी का गला भर आया तो किसी के हाथ गुस्से से उठ गए। पुलिस की टीम नाबालिग को कार में बैठा रही थी, तभी एक युवक ने नाबालिग को तमाचा जड़ दिया। पुलिस गाड़ी की सायरन भीड़ के गुस्से की आवाज में दब गई। गुस्साए औरतें और लोग नाबालिग आरोपी तक अपना हाथ पहुंचाकर उसे पीटना चाह रहे थे। लोग कहते रहे कि इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हिसाब हो जाएगा। फिर नाबालिग आरोपी की जान लेकर गुस्सा शांत करने के मूड में थे। मोहल्ले के लड़कों ने भी शोर मचाते हुए नाबालिग को थाने ले जाने का विरोध किया। कुछ लड़कों ने तो पुलिस की गाड़ी के सामने बाइक स्कूटर गिरा दिया ताकि गाड़ी आगे ना जा सके। बड़ी मुश्किल से पुलिस नाबालिग को साथ लेकर गाड़ी तक पहुंची। पुलिस को भीड़ आगे नहीं जाने दे रही थी। इसके बाद पुलिस जवानों ने भीड़ को खदेड़ कर हटाया और नाबालिग को कानूनी कार्रवाई के लिए साथ ले गए। मगर बस्ती के लोगों में अब भी गुस्सा बाकी है।